जानते हैं। स्वामी रामदेव हमारे राष्ट्रीय योग गुरु है, ये सबको पता है, पर कैसे बने वो मैं आज आपको बता दूं। स्वामी रामदेव एक निमन जाति यानी एससी से बिलोंग करते थे। उन्हें स्कूल में जाने की परमिशन नहीं थी, वे स्कूल में अलाउड नहीं थे। जब उन्हें बचपन में कैंसर हुए, उनके कैंसर का इलाज उन्हें डॉक्टर ने लिख के दिया, पर बहुत कम लोग जो उस टाइम पढ़े लिखे हुए थे तो उनके कैंसर का इलाज कोई पढ़ नहीं पाया। उसके बाद जब वे अपने पिताजी के साथ स्कूल गए तो उनके निमन जाति होने के कारण उन्हें स्कूल से भी बाहर भेज दिया गया। उसके बाद उनके जीवन पे बनाई थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद पढ़ूंगा और मैं खुद अपना इलाज करूंगा। पर जब उन्हें स्कूल में नहीं जाने दिया, वे छिप छिप के पढ़ने लगे। वे कभी पेड़ों पर चढ़ जाते, कभी झाड़ू लेकर स्कूल में चले जाते। जब उनके घर वालों को ये पता लगा, उन्हें बहुत पीटा गया। फिर वे निराश होकर एक दिन गांव में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि कलेक्टर का बेटा तालाब में गिर रहा था। उन्होंने कलेक्टर के बेटे को भाग के बचाया। उसके बाद जब कलेक्टर ने उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने बोला कि तू जो भी मांग मैं तुझे दूंगा। तो स्वामी रामदेव ने कहा कि मुझे शिक्षित का अधिकार चाहिए, मुझे शिक्षित होना है। ये बात सुन के कलेक्टर की आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने उस दिन से ये रूल जो है निष्कासित कर दिया कि ऐसी कास्ट को स्कूल में नहीं जाने दिया जाएगा। आज वही एक कारण है स्वामी रामदेव, जिनके कारण हर जात का बच्चा पढ़ लिख सकता है। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप जिनको भी जानते हैं जो शिक्षित नहीं है, उन्हें शिक्षा के बारे में बताएं और उन्हें बताएं कि शिक्षा कितनी जरूरी है। जैसे कि आपने सेक्ट में देखा, बाबूलाल को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी एक पत्र को पढ़ाने के लिए। मैं नहीं चाहती कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा हो। धन्यवाद।